नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज बघेल और आज हम एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में फेज वन क्वालिफाई करके फेज टू और फेज थ्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आपको पीएफटी देना है, किस तरह से आपको एसआरटी देना है, किस तरह से आपको जीडी में पार्टिसिपेट करना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन ईजी हो जाए। तो ऐसे ही हमारे बीच में सोनू है, सोनू कुशवाहा, जिन्होंने अभी 15 दिन पहले क्लास स्टार्ट की थी और इनका 25 तारीख को चेन्नई सेंटर पे एग्ज़ाम था और ये क्वालिफाई करके आ चुके हैं। सबसे पहले इनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई है ना आप सभी की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से। और इनसे जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स थे जिसे बच्चे को ध्यान नहीं देना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट हैं जिन्हें बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए, राइट। तो सोनू जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस बात के लिए कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है ना, और यहाँ से आपने तैयारी करके और इजीली कुछ ही दिनों में अपना सेकंड राउंड कंप्लीट किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका सेंटर चेन्नई में था, चेन्नई में आपको रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या था? रिपोर्टिंग टाइम था 5:30। अच्छा, 5:30 सुबह। यस सर। ओके, तो आपको वहीं इतने टाइम पहुँचना था। जी सर। ओके, और उसके बाद में फिर उसके बाद में सबसे पहले क्या हुआ वहाँ पे? सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट फेज वन फेज टू का चेक हुआ, उसके बाद फिर रनिंग के लिए बैठ गई। अच्छा अच्छा। और रनिंग के बाद में, रनिंग में कितने कैंडिडेट्स थे टोटल? टोटल थे 140। 140 कैंडिडेट्स थे टोटल। अच्छा, 140 कैंडिडेट्स में कितने लोग डिस्क्वालीफाई हो गए? डिस्क्वालीफाई होते 25। तो 1600 मीटर की दौड़ आपने कितने टाइम में कंप्लीट कर ली थी? मैंने 6 मिनट पूरी कर ली। 6 मिनट, बहुत बढ़िया, 6 मिनट में। अच्छा, उसके बाद फिर सिटअप्स और पुशअप्स भी थे? जी सर। कितने कितने? 10 पुशअप्स थे और 10 सिटअप्स थे और 20 स्क्वाट। अच्छा, 20 स्क्वाट थे। तो स्क्वाट में भी आपको टाइम दिया जा रहा होगा, बीच बीच में गैप ले लीजिए। बीच में गैप था। अच्छा, गैप था मतलब इजीली निकल सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, जब आपका पीएफटी क्वालिफाई हो गया तो उसके बाद में फिर क्या हुआ? हमको वहाँ पर सेंटर पर ले आया गया, वहाँ पर तो वहाँ पर फिर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेलिटी पूरी हुई कर ली 1 to 2 hours। उसके बाद थोड़ा सा साइको स्टार्ट हो गया था। ओके, साइको स्टार्ट हो गया था। तो एसआरटी साइको में कितने क्वेश्चंस थे टोटल? एसआरटी में पूरे 45 क्वेश्चंस थे और 45 के लिए कितना टाइम दिया गया? 30 मिनट दिए गए थे। जी सर। और 30 मिनट दिए गए थे तो उसमें आपको सारे अटेंड करने थे? जी सर, सारे करने। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें कितने कैंडिडेट फेल हुए थे? उसमें कैंडिडेट हुए थे 8 कैंडिडेट फेल हुए थे। ओके ओके। तो वो लगभग दिन में कितने बजे हो गया था? ओवरऑल हो गया था 12-1 के समथिंग हो गया था। ओके, 12-1 के समथिंग इनका एसआरटी भी हो गया था, यानी कि सुबह ये 5:30 रिपोर्टिंग टाइम था। पहुंचने के बाद इनका पहले फिजिकल हुआ, फिजिकल होने के बाद में फिर इनका एसआरटी हुआ। एसआरटी क्वालिफाई करने के बाद में फिर आपको जीडी की तरफ ले जाया गया? हाँ जी, ले जाया गया, लेकिन उसके बाद प्रोसेस थी। अच्छा, प्रोसेस थी, क्या क्या प्रोसेस थे? डॉक्यूमेंट वगैरह और बायोमेट्रिक होना था, आपका फोटो भी होना था। ओके, ग्रुप वगैरह में और कुछ फॉरम भी थे, उनकी फॉर्मेलिटी होनी थी। तो आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने अनिवार्य थे वहाँ पे? इंटरमीडिएट का मतलब होना चाहिए सर्टिफिकेट और मार्कशीट और हाई स्कूल की। ओके, और एनसीसी है, किसी पर एनसीसी। ओके, बॉय टैटू है, उसके बाद फोटो उसका होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए उसके पास, एनसीसी है, उसके बाद एनसीसी होना चाहिए। अच्छा, कितने फोटो रिक्वायर्ड थे वहाँ पे? फोटो तो उसमें लिखा हुआ 10, लेकिन 4-5-6 फोटो ऐसे लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादा फोटो लिखते हैं, यानी 5-6 फोटो आपको चाहिए। ओके, और डॉक्यूमेंट्स के कितने सेट होने चाहिए कैंडिडेट के पास में? जी, वहाँ पर तो 3-3 लगे हुए थे। 3-3 सेट होने चाहिए। किसी ने एक्स वाई प्रॉब्लम किया था, उसके बाद 6 होने चाहिए। अच्छा, 6 होने चाहिए। ओके ओके। तो उसके बाद में फिर जीडी जब स्टार्ट हुआ तो जीडी में कितने कैंडिडेट्स आप लोग थे? ये 15 का था हमारा, 15 का ग्रुप था। ओके, और जो एग्जामिनर थे, जो आपको ऑब्जर्व करने वाले थे हॉल के अंदर, वो कितने लोग थे? जी, दो लोग थे। इसमें कौन कौन थे? एक विंग कमांडर थे और एक साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, एक विंग कमांडर, एक साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, तो जीडी के लिए जब आपको जीडी का टॉपिक दिया गया तो क्या टॉपिक दिया गया था? मेरे को टॉपिक मिला था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। तो आपको पहले कुछ पेपर पे टॉपिक दिया गया था या सिर्फ बोल दिया गया था कि आपको ये टॉपिक तैयार करना है? सर, पेपर मिला था। पेपर मिला था। अच्छा, पेपर में जो टॉपिक दिया था उस पर टाइटल भी था या सिर्फ पेपर था? टाइटल नहीं था, पेपर मिला हुआ। अच्छा, पेपर लिखा हुआ। ओके ओके ओके। तो वो आपसे कितनी देर बाद ले लिया गया? जी, 5 मिनट के बाद ले लिया। 5 मिनट के बाद ले लिया गया। तो उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा टाइम और दिया था सोचने के लिए या तुरंत शुरू करा दिया था 5 मिनट के बाद? नहीं सर, उसके बाद मतलब 5 मिनट के बाद पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सॉरी कलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद अपने स्टार्ट कर दिया। ओके, स्टार्ट कर दिया था। तो अभी जब राउंड वन स्टार्ट हुआ तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें बोलने के लिए कहा गया?
उन्होंने बोला था अपने आप के बारे में बोलना है और ओनली 30 सेकंड बोलना है अपने आप का, उसके बाद थोड़ा सा 30 सेकंड में अपने व्यूज रखने हैं, ब्रीफ रखने पॉइंट के बारे में, यानी कि आपको इंट्रो में सिर्फ 30 सेकंड ही यूज करने हैं और 30 सेकंड आपको ब्रीफ, यानी टोटल मिलाकर के एक मिनट में आपको वो पार्ट कवर करना है। जी सर। अच्छा, तो वन बाय वन बुलवाया था या कोई भी कहीं से भी बोल सकते हैं? सर, वन बाय वन। वन बाय वन बुलवाया था। ओके, तो वन बाय वन बुलवाने के बाद में जब सारे कैंडिडेट कंप्लीट हो गए, उसके बाद में फिर राउंड सेकंड भी हुआ था? जी सर, सेकंड हुआ। राउंड सेकंड में क्या क्या करवाया था उन्होंने? राउंड सेकंड में उन्होंने बोल दिया कि फिशिंग मार्केट बिल्कुल खुली नहीं है, वन बाय वन बोलना है। ओके, और कोई दिया था कोई भी शॉट कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है टॉपिक को, कोई भी कर सकता है। सामने से इन फ्रंट ऑफ से एक स्टूडेंट से किया था इनिशिएट। ओके, चलिए, तो यानी कि जब सेकंड राउंड चला था तो आपने अपने पॉइंट्स को रखा? जी सर। ओके, पॉइंट्स को रखने के बाद फिर वो वन बाय वन आगे सारे लोग बोलते हैं। ओके, तो इस पूरे सेशन में आपको कितना समय लगा, यानी जीडी आपको कितने टाइम के लिए दिया गया? 12 to 15 मिनट। उसके बाद में फिर एक जीडी नहीं हुआ, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पार्टिसिपेट करे, इस तरह से जीडी नहीं हुआ? नहीं नहीं, ओनली 2 राउंड लिए थे उन्होंने, राउंड लिए थे, कोई पुशिंग मार्केट नहीं थी, उसमें आराम से हो गया था। ओके ओके, तो कितने कैंडिडेट आपके जीडी में डिस्क्वालीफाई हुए? मेरे बैच में तो 3 हुए थे। 3 हुए थे। तीन लड़के वो कौन से थे जो डिस्क्वालीफाई हुए थे? जी, वो लड़के वही थे, उन्होंने बोला नहीं था, बिल्कुल शुरू बोल रहे थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी थी, अच्छे तरीके से बोल नहीं पा रहे। यानी कि वो लड़के डिस्क्वालीफाई हुए थे जो इंग्लिश बोल नहीं पा रहे, यानी इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। जी, मैंडेटरी, बिना इंग्लिश के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, अब बात ये आती है कि इंग्लिश बोलना जरूरी है, अगर थोड़ा बहुत भी बोल पाएंगे तो आपका हो जाएगा। अच्छा, वो आपको उनका जो बिहेवियर था, आपको कॉपरेटिव था या रूड था? नहीं, कॉपरेटिव था। जो जिन कैंडिडेट्स ने बोला नहीं था वो उन्हें मौका दे रहे थे? जी, बिल्कुल दे रहे थे। अच्छा, अगर आप बोलते हो तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वालिफाई होने के बाद में फिर आपको आगे क्या किया गया? जी, उसके क्वालिफाई होने के बाद आपको हमको बैठा दिया गया, फिर हमको लंच मिला, लंच खाया हमने। Okay. उसके बाद पूरे हॉल में बैठा दिया सभी स्टूडेंट को एक साथ। ओके ओके, फिर वहाँ पर फिर मतलब फॉर्मेलिटी पूरी डॉक्यूमेंट की। ओके ओके, करीब हुआ था 1 घंटे का टोटल। ओके, तो उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ। ओके, तो उसके बाद में आपके पूरे ओवरऑल 140 बच्चों में से फाइनल सिलेक्शन कितने के हुए? फाइनल सिलेक्शन हुआ था 93 के, यानी बाकी बच्चे निकल गए। यानी कि बड़े आसानी से आप जीडी दे सकते हो, बड़े आसानी से आप पीएफटी दे सकते हो, अगर आपका पीएफटी अच्छा है तो आप आगे भी प्रोसेस कर सकते हो। तो चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत सारी विशेज हैं, और आपने यहाँ आकर के इन बच्चों को, बाकी अपने फ्रेंड्स को सारी इन्फॉर्मेशन दी, और उम्मीद करते हैं कि आपको फ्यूचर में भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और आप आगे अपने भविष्य को उज्जवल कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस।